रानीखेत तहसील सभागार में कैशलेस को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट नरेंद्र भंडारी ने बैंकर्स, व्यापारियों व होटल व्यवसायियों की बैठक ली। बैठक में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कैशलेस प्रणाली के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को ऑनलाइन लेन देन के लिए जागरूक और प्रेरित करना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से व्यापारी, टैक्सी चालक और सरकारी कर्मचारी के अलावा आम जनता भी कई तरह के झंझटों से छुटकारा पा सकती है। उन्होंने कहा कि होटल, दुकानों या सरकारी विभागों में जो भी ट्रांजैक्शन हो सभी ऑनलाइन हो, ताकि किसी को भी कैश लेकर नहीं घूमना पड़े। वहीं बैंक अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में सभी को हर संभव मदद दी जाएगी। देखिए, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को 100% डिजिटलाइजेशन की, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे होटल्स में हो या टैक्सीज में हो, और चाहे तहसील में हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो वो ऑनलाइन किए जाएं, ताकि किसी को कैश लेके घूमने की जरूरत ना पड़े। तो उसके संबंध में सभी बैंकर्स से, व्यापार मंडल के सम्मानित सदस्यों से और हमारे जो मार्केट, होटल और रिजॉर्ट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मीटिंग की गई। तो इसमें हमने सबको सबसे सहयोग मांगा है और सबसे कहा कि एक टीम की तरह हमको रानीखेत को 100% डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाना है। आज न्यूज़ के लिए रानीखेत से गोपाल सिंह विष्ट की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।